पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन अभी भी हालात तनावपूर्ण हैं। राजधानी ढाका की सड़कों से पुलिस गायब है और सेना ने पूरी तरह मोर्चा संभाल रखा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय मंदिरों पर हमलों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। शनिवार को भी देश भर में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में हिंदू समुदाय ने मार्च किया। हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग ढाका की सड़कों पर इंसाफ की मांग के साथ उतरे। शुक्रवार को भी हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में भी बड़ी संख्या में हिंदू बांग्लादेशी नागरिक ढाका में सड़कों पर उतर आए। सैकड़ों लोगों ने सुरक्षा, कानून व्यवस्था की स्थापना और एक धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश की मांग को लेकर नारे लगाना भी शुरू कर दिया। बता दें कि इस प्रदर्शनकारियों की ये मांग है कि सरकार उन लोगों को मुआवजा दे जिन्होंने अपनी संपत्ति खो दी है और जिन मंदिरों को तोड़ दिया गया है उनका पुनर्निर्माण किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो देश छोड़ने वाले नहीं है, अपना अधिकार पाने के लिए सड़कों पर ही रहेंगे। उन्होंने जमात इस्लामी BNP और हिंदुओं पर हमले की निंदा करने वालों को भी धन्यवाद दिया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि वो नस्लीय आधार पर किसी भी हमले या हिंसा के खिलाफ हैं। आपको बता दें कि महासचिव का कहना है कि हमने स्पष्ट किया है, हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हाल ही के हफ्तों में बांग्लादेश में होने वाली हिंसा को शांत किया जाए। निश्चित रूप से हम किसी भी नस्लीय आधारित हमले या नस्लीय आधार पर हिंसा भड़काने के खिलाफ हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में चल रही हिंसा में कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश में हिंसा भड़कने के बाद कई हिंदू मंदिर, घरों और व्यवसाय को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी से जुड़े कम से कम 2 हिंदू नेता हिंसा में मारे गए हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जॉब कोटा को लेकर शुरू हुआ छात्रों को विरोध प्रदर्शन शेख हसीना सरकार के पतन के कारण बन चुका है। उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा और इस वक्त बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में मौजूद हैं। मोहम्मद यूनुस के हाथ में अंतरिम सरकार की कमान आ चुकी है। हसीना के देश छोड़ने के बाद देशव्यापी हिंसा में कम से कम 232 लोगों के मारे जाने की खबर अब तक सामने आई है। तो वहीं उपद्रवियों ने हिंदुओं, उनके धार्मिक स्थलों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। कई पुलिस थाने आग के हवाले कर दिए गए हैं, तो वहीं कई पुलिस वालों पर जानलेवा हमला भी किया गया है। इसके विरोध में बांग्लादेश पुलिस के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आपको बता दें कि अब जबकि बांग्लादेश में नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हो ही चुका है, देश में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास भी अब किए जा रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।